तो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। आजकल यार इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ढंग की न्यूज ढूंढने में। कितना स्ट्रगल तो अनन्या पांडे ने भी नहीं किया होगा। और स्ट्रगल से याद आया कि तुम सब्सक्राइब ना करके मेरा स्ट्रगल बढ़ा रहे हो, ऐसे अब और नहीं चलेगा। आज अपन को 12K मांगता है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आ रही है सीधा द माफिया के खेमे से, जिनकी अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसी को देख के कुछ लोगों का हेट बाहर आ जाता है। ये लोग सुबह सुबह हेट तैयार करते हैं और फिर पहुंच जाते हैं टूर्नामेंट स्ट्रीम्स में उसका तड़का लगाने। लेकिन यार उससे तुम कूल थोड़ी बन जाओगे, रहोगे तो नूबी। अब बहुत लोग खबर भेज रहे हैं कि इन सो कॉल्ड हेटर्स ने टावर होल्ड करने पे भी अपनी हेट बाहर निकाल दी है। पता है इसका रीजन क्या है? इनसे माफियाज की जीत देखी नहीं जा रही है। ये चाहते हैं कि ऐसे कमेंट से माफियाज के प्लेयर ट्रिगर हो जाएं और अपनी मेन स्ट्रेटेजी छोड़ के उल्टा सीधा रश करना स्टार्ट कर दें। टूर्नामेंट में फालतू के एग्रेशन और चैट में हेट को बेवकूफी बोलते हैं, कूलनेस नहीं। हमने तो वर्ल्ड चैंपियन फिनिक्स फोर्स को वर्ल्ड सीरीज में भी होल्ड करते देखा है। कितनी बड़ी आयरनी है कि इन लोगों को लगता है कि जिस टीम ने पिछले 2 महीने के ऑलमोस्ट सारे टूर्नामेंट जीते हैं उसकी स्ट्रेटजी खराब है, और जो ये बता रहे हैं वो सही। अगर ऐसा होता ना भाई तो तुम उस टीम पे खेल रहे होते और वो चैट कर रहे होते। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। नेक्स्ट अपडेट है शहरों की लड़ाई से, मतलब सिटी वार से। तो हैदराबाद क्वालिफायर्स में टॉप पर रही है हैक्सी स्पोर्ट्स, सेकंड पर रही है NHK वार्निंग स्पोर्ट्स एंड थर्ड पोजीशन पर रही है UG अंपायर। वैसे फिफ्थ पोजीशन टीम DSC गॉडी स्पोर्ट्स के प्लेयर ऐश ने बोला कि उनकी टीम भी क्वालिफाई हो गई है, तो उनको बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कितनी टॉप टीम्स हर क्वालिफायर से आगे जा रही हैं। बताना जरा कि टॉप 3 हैं या टॉप 5 या और ज़्यादा। अगली अपडेट है हमें दुखी करने वाली, बट स्टिल हम इससे एक लेसन तो ले ही सकते हैं। वैलोरेंट कंटेंट क्रिएटर सेल्फलोन ने सुसाइड कर लिया है ड्यू टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। देखो यार, हमें कभी भी नहीं पता होता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। जो तुम सोशल मीडिया पर देखते हो उससे काफी डिफरेंट होती है रियल लाइफ। हो सकता है तुम्हारा कोई उल्टा सीधा कमेंट, हेट किसी की मेंटल कंडीशन को और वर्स कर दे। किसी की खुशी का कारण बनो, दुख का नहीं। क्यों टीम्स में YT चैनल्स में बांट के किसी को हेट देनी? क्या फर्क है आखिर दो लोगों में? बस किसी को तुमने आइडल मान लिया है और उसके अलावा सब तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं। ये बहुत ही गलत माइंडसेट है। कोई तुम्हारा आइडल हो सकता है, उससे प्यार करो, बट दूसरे को रेस्पेक्ट तो दे ही सकते हो। रेस्पेक्ट नहीं दे सकते तो एटलीस्ट कुछ गलत तो मत बोलो उसके लिए। कल को कोई तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को कुछ बोलेगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? सोचो इस बारे में, सोच के ही अपनी गलती रियलाइज हो सकती है और उसके बाद ही इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगी। थोड़ी सी रियलिटी चेक थी कि हमारी कम्युनिटी में क्या सीन है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये तो सबको पता है कि क्या ई स्पोर्ट्स देखने आते हैं लोग, कुछ हेट करते हैं, कुछ ऐसे ही फालतू में जज करते हैं ई स्पोर्ट्स एथलीट को। तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको ई स्पोर्ट्स देखना पसंद है, खेलना पसंद है तो सीखो उनसे कि क्या सीन चल रहा है, क्या खेल रहे प्लेयर्स। और अगर देखना पसंद तो देखने में एंजॉय करो कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस इतना कहना था कि प्लीज स्टॉप जजिंग ई-स्पोर्ट्स एथलीट। आपको पता नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि सामने वाले ई-स्पोर्ट्स प्लेयर के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि ई-स्पोर्ट्स देखो, बस ई-स्पोर्ट्स एथलीट को जज करना बंद कर दो। और कल आवाज़ थी TSG इनसेन 999 की, सबने सही पहचाना था, वेरी गुड। अब जरा आज की आवाज गेस करो। आप बोलो ना क्रिएटर, मैं सच्चाई बताऊं तो ई-स्पोर्ट्स एथलीट से पहले इस गेम को जो खड़ा किया वो क्रिएटर्स ने किया, इस कम्युनिटी के। पर इस गेम की वैल्यू उस टाइम इतनी नहीं थी। आजकल बहुत कम लोग पहचान रहे हैं, ऐसे नखरे मत दिखाया करो यार, ये तो पहचान ही लेना। मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है फिर भी ये लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट अपडेट है सीधा नेपाल से, जहां सबकी प्यारी टीम वीब्रोज अब गेम में ट्विस्ट देने के अलावा रियल लाइफ में भी ट्विस्ट देने जा रही है। अब ये ट्विस्ट क्या है वो तो आज दिन में ही पता चलेगा, बट इन द मीन टाइम गैस करोगे अब कौन सा सरप्राइज हो सकता है। एंड ये कोई नहीं बोलेगा कि ड्रैगो फिर से द माफियाज में आ रहा है। अगली अपडेट है ई स्पोर्ट्स कोचिंग की दुनिया के वन ऑफ द OG की तरफ से। तो फाइनली उन्होंने OG ज्वाइन कर लिया है, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ड्यूकर भाई, OG को टॉप पे पहुंचाते रहो। ओके। नेक्स्ट अपडेट है पहाड़ी की तरफ से। तो काफी दिनों से पहाड़ी इनकंसिस्टेंट है यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स पे, तो उसने बताया कि कब आएगी वो घड़ी जब फैन चैन से बैठ के रोज स्ट्रीम देख पाएंगे। रेगुलर नहीं गाइस, बताऊं तो अभी रेगुलर नहीं होगा, बिकॉज
ओजी का टूर्नामेंट खत्म इस वीक के बाद अपन लोग रेगुलर हो सकते हैं, ठीक है। अगली अपडेट फिर से वीब्रोस के बारे में है। तो मेन ट्विस्ट आने से पहले एक और ट्विस्ट आ गया है कि नोबी और रोजन अब वीब्रोस का पार्ट नहीं है और टीम ने उन्हें बाय बाय बोल दिया है। तुसी ना जाओ। और भाई आजकल धमकियां मिलने लगी है डीएम में कि मुझे शॉर्ट आउट दे देना नहीं तो अपडेट नहीं भेजूंगा। तो मेरे भाई मैंने बोला हुआ कि इंस्टा के बाहर की अपडेट्स भेजा करो, उस पर क्रेडिट देता हूँ। वीब्रोस और ड्रैगो की स्टोरी तो मुझे खुद दिख जाती है। सही बात है। नेक्स्ट अपडेट है ओजी रंबल इन द जंगल से। तो वीक 2 की लीग स्टेजेस फिनिश होने के बाद टॉप पर है द माफियाज, सेकंड पे है टीएसजी आर्मी एंड थर्ड पोजीशन पे है हेक्सी स्पोर्ट्स। तुम्हें क्या लगता है वीक 2 का चैंपियन कौन होने वाला है? मेरा बैट तो पहले से हेक्स पे है, तुम अपना बताओ। अगली अपडेट है माफिया के बारे में। तो फोजाजे ने माफिया का 10th का रिजल्ट बताया। फोजा माफिया के कितने मार्क्स आए 10th रिजल्ट में? गाइस माफिया ने मारा टॉप, समझ रहे हो? माफिया है टॉपर। लिखी कितने ने हेलो। इसके अलावा यार अपने 10th के मार्क्स भी बता दिए हैं। मुझे 10th का रिजल्ट 96.4। अरे भाई इतने पढ़ाकू हमारे तो उस टाइम पे आए थे कितने 68% आए थे गाइस मेरे समथिंग 10th के। तो 12th से ज़्यादा अच्छे आए थे बट 68 or 72% तो भूल से गए। ये चीज़ें आजकल तो अंधकार सी लगती है, क्या देख रहे हैं, गलत चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं। पढ़ लिख के इतने पैसे नहीं कमा सकते थे गाइस जितना हम इस गेम से निकाल लेते हैं। चलो आज सब अपने अपने 10th और 12th के मार्क्स बताओ। नेक्स्ट अपडेट है रोकी भाई के बारे में, जिन्होंने ऑफिशियल इवेंट्स को डायमंड गिव अवे के लिए ट्रोल किया है। आई डिडंट लाइक दैट डायमंड कल्चर इन टूर्नामेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं बिल्कुल इस चीज को कभी कमिट करने से नहीं डरता। आई थिंक ई-स्पोर्ट्स एथलीट शुड गेट द परमानेंट अटेंशन रादर देन डायमंड्स। मतलब वहां पे अगर लाइव शुरू हो रही है, लाइव से पहले थंबनेल पे ये देखा जाता है कितनी वॉचिंग पे डायमंड मिलेगा, कितने में ड्रेस, ठीक है। उसमें अगर आप ई स्पोर्ट्स का थंबनेल देखो, हमारे में हाईलाइट किया जाता है प्लेयर्स के फोटो, बट सच कहूं तो आप अगर देखें तो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में मुझे बहुत कम जगह प्लेयर्स के फोटो दिखे हैं। टीम के लोगों तो बहुत दिखे हैं मुझे, प्लेयर्स के फोटो तो मुझे थंबनेल पे दिखते ही नहीं है, क्योंकि वहां पे लिखा रहता है 300K 400K वॉचिंग पे क्या मिलेगा। सो दैट इज नॉट गुड। मैंने देखो अक्सर सुना है बंदे क्रिटिसाइज करते हैं थर्ड पार्टी टूर्नामेंट। मुझे तो ऐसा लगता है डोमेस्टिक सर्किट और थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स ने ही ई-स्पोर्ट्स को तवज्जो या वजूद दिया है, वरना मुझे तो ऑफिशियल टूर्नामेंट में कुछ हाईलाइट तो दिखता नहीं है प्लेयर। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। शाम तक 12K सब्सक्राइबर्स कर देना। चलो मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।